हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे, हम चैप्टर्स सॉल्व कर रहे थे, थर्ड मैट्रिक्स, जिसमें अब तक हमने 2 से 3 वीडियोस कर लिए हैं। हमने 3.1 एक्सरसाइज डिस्कस किया है, 3.2 के जो एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस हमने कर लिया है। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से आगे जितने भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि किस तरीके से एक्सरसाइज को आपको सॉल्व करना है, और इसके क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं तो किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो आई होप आपने इससे पहले वाले वीडियोस देख रखे हैं। अगर नहीं देखा है तो प्लीज लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस को सबसे पहले वॉच कीजिए, फिर पार्ट सेकंड देखिए। अगर पहले वाले वीडियोस देख लिया है तो आप पार्ट सेकंड को देख सकते हैं। और एक गुजारिश है आपसे कि प्लीज अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो वीडियोस को पूरा देखा करिए। अगर वीडियोस को पूरा देखेंगे तभी आप सीख पाएंगे। वीडियोस को बीच में से आधे अधूरे वीडियोस देखेंगे, ठीक ना, लेक्चर्स आधा अधूरा अगर देखते हैं तो आपके समझ में कुछ नहीं आएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। तो इससे बढ़िया है कि आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए। अगर आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वीडियोस को पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। अगर आपको आते हैं क्वेश्चन तो उसको स्किप करके आगे क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में आप जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले हमने डिस्कस किया था पार्ट फर्स्ट में। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ए मैट्रिक्स दे रखा है और एक बी मैट्रिक्स दे रखा है, तो 3A-5B परिकलित कीजिए, ठीक है। यहां पर 3A-5B कैलकुलेट करना है, ठीक। तो अपना नोटबुक और बुक निकाल लीजिए। देखिए, ए मैट्रिक्स दे रखा है हमारे पास, देखिए हमें कैलकुलेट करना है 3A-5B। तो 3A का वैल्यू हो जाएगा 2/3, 1/3 एंड 7/3, 1, 2/3, 2, 5/3, 4/3 एंड 2/3। ए मैट्रिक्स हो गया -5 इंटू बी मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स हो जाएगा 2/5, 1/5, 7/5, 3/5, 2/5 और 6/5, 1, 4/5 एंड 2/5। ये हमारा बी मैट्रिक्स हो गया, हमने जस्ट इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है। अब 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे -5 का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए 3 का अंदर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2/3 की, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। तो डिवाइड में जितने भी 3s है ये सारे 3 के मल्टीप्लाई करने से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां बचेगा 2, 1, ये आएगा हमारा 7, 3 बन जा 3, 2, 3 दुना 6, 5, 4 एंड 2, माइनस शायद यहां पे आप -5 के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं अगर ऐड करना है, नहीं तो आप ओनली 5 के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 5 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 1, 7, यहां पे सेम 5 से 5 क्या जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि x अपॉन 5 की अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से 5 कैंसिल हो जाए, तो क्या बचेगा, ओनली x बचेगा ना, ऊपर वाली संख्या बचेगा। यहां पर 2, 1, 7, 3, 5 दुना 10, 6, 5 एकम 5, 20 और 5 दुना 10, क्लियर है। 2, 1, 7, 3, 2, 6, 5, 4, 2 माइनस, सॉरी चलिए माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहां पे माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 2, माइनस का 1, माइनस का 7, -3, -10, -6, -5, -20 और माइनस का 10। ये ऑप्शनल स्टेप है, ये कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली इसके बाद वाला स्टेप भी कर सकते हैं आप। अब इन दोनों को क्या करेंगे, दोनों मैट्रिक्स को आपस में जोड़ेंगे। जोड़ना आपको पता है कि संगत अवयव को संगत अवयव के साथ जोड़ा जाता है। 2 को -2 से जोड़ेंगे, 3 को -3 से जोड़ेंगे, 5 को -5 से जोड़ेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से जोड़ा जाएगा इसमें। तो 2 - 2, 3 - 3, 5 - 5, 1 - 1, 2 - 10, 4 - 20, 7 - 7, 6 - 6, ठीक, और 2 - का
10, क्योंकि यहां पे हम क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो इट इज इक्वल टू, टू में से टू गया 0 0 0 0, माइनस का 8 माइनस का 16, और ये जो आपका 0 0 माइनस का 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। या चाहे तो आप इसमें से माइनस 8 कॉमन ले सकते हैं, और माइनस 8 इसमें से अगर कॉमन ले जाएगा तो 0 0 0 0 1 2 0 0 1, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, चाहे तो इसको आंसर छोड़ सकते हैं या यहाँ तक छोड़ सकते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, सरल कीजिए, ये देखिए सरल कीजिए कॉस थीटा दिस मैट्रिक्स प्लस साइन थीटा दिस मैट्रिक्स। तो सिंपल इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, सबसे पहले कॉस थीटा के अंदर, यहां पे साइन थीटा के अंदर, इसको सिंपलीफाई करना है। तो कॉस थीटा के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा का चारों एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, ठीक ना। तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, और साइन का कॉस के साथ मल्टीप्लाई माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, और यह कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर। प्लस साइन के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा, और मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा के दिया जाएगा प्लस का साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा सॉरी, क्योंकि प्लस प्लस का जगह प्लस का, तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा। दोनों को आपस में हम जोड़ देते हैं, तो संगत एलिमेंट को संगत एलिमेंट के साथ जोड़ेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा। ये जो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा देखेंगे तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये तो जाएगा जीरो, ठीक है ना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना था, वन, तो वन जीरो जीरो, और इसका वैल्यू भी कितना जाएगा, वन हो जाएगा। तो ये हम बता सकते हैं कि इसका वैल्यू एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर टू है, क्लियर। सिंपल है, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, नॉट अ टफ। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 7025, और नेक्स्ट है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3003, ठीक है। इसमें मैं x और y ज्ञात करना है, x और y का मान ज्ञात कीजिए, यहां पे देखेंगे तो x तथा y ज्ञात कीजिए यदि ये दे रखा है। तो सिंपल दोनों इक्वेशनों को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, क्योंकि एक प्लस में दे रखा है और एक माइनस में, जोड़ने पर अगर इसको हम ऐड ऑफ करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स प्लस एक्स ये जाएगा 2x इक्वल टू, इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में जोड़ेंगे तो इनको अगर आपस में जोड़ते तो संगत एलिमेंट संगत एलिमेंट के साथ जोड़ेगा तो 7 + 3 0 + 0 + 0 2 + 0 और 5 + 3, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू 8 7 3 10 2 0 8, ठीक ना। तो x इज इक्वल टू 2 को इसको डिवाइड में भेज देंगे तो 1/2 10 2 0 8 1/2, मतलब 2 से इस मैट्रिक्स को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हर एक एलिमेंट को डिवाइड करेंगे, तो 5 से 2 को डिवाइड करेंगे सॉरी 10 से 5 2 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 5, 2 का 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 2 को 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 4, 2 से 0 को डिवाइड करेंगे तो 0, तो मैट्रिक्स क्या बनेगा 5 0 1 4, ये तो क्या x। अब x का वैल्यू किसी भी मैट्रिक्स में रख देते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड में से किसी में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हम यहां पे रखते हैं समीकरण 1 से। देखेंगे समीकरण 1 से अगर वैल्यू निकालेंगे y का तो y इज इक्वल टू जगह 7205 माइनस x, और x मैट्रिक्स ये है हमारे पास तो इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहां पे, तो 7205 माइनस 5104, क्लियर। तो 7 - 5 0 - 0 2 - 1 5 - 4,
तो सात में से पांच घटेगा कितना बचेगा, दो एक जीरो एक, तो बाई जो मैट्रिक्स है वो जाएगा दो जीरो एक एक। क्लियर। नेक्स्ट देखिए सेवन का दूसरा पार्ट है, टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू टू फोर थ्री जीरो, थ्री एक्स प्लस टू वाई इज इक्वल टू टू माइनस वन माइनस टू फाइव। इसमें भी सॉल्व करके एक्स और वाई का मान निकालना है। तो सिंपली यहां पे देखेंगे तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, विलोपन विधि का यूज कर सकते हैं, जो कि आपने क्लास टेंथ में पढ़ा होगा। और मोस्ट ऑफ केसेस में आप जब दो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना होता है तो विलोपन विधि का ही यूज करते होंगे। आई होप आपको विलोपन विधि पता है। तो इसमें मैं करना क्या है कि या तो एक्स के कंपोनेंट या एक्स के कोफिशियंट जिसको हम गुणांक कहते हैं उसको बराबर कर लेते हैं, x के गुणांक को बराबर करते हैं या y के गुणांक को बराबर करते हैं, दोनों में से किसी एक को बराबर कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें वैल्यू तीन है, y का गुणांक इसमें दो है, तो इस वाले इक्वेशन में दो से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस वाले इक्वेशन में तीन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, तो इट इज इक्वेशन फर्स्ट एंड इट इज मल्टीप्लाई बाय टू एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड एंड इट इज मल्टीप्लाई बाय थ्री, देन वी गेट इक्वेशन फर्स्ट इंटू टू माइनस इक्वेशन सेकेंड इंटू थर्ड, सेकेंड में थर्ड से थ्री से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखिए इसमें अगर टू से मल्टीप्लाई करें तो टू टू जो फोर प्लस थ्री टू जो सिक्स वाई इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स में टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक एलिमेंट को टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो दोनों चार, तीन दोनों छह, चार दोनों आठ और जीरो। ठीक है ना, नौ इस वाले इक्वेशन में तीन से मल्टीप्लाई करें, तीन तीन नौ प्लस तीन दुना छ इज इक्वल टू, सारे एलिमेंट को तीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीन दुना छ, तीन दुना छ माइनस का तीन, पांच दिया पंद्रह, कीजिएगा पंद्रह। अब दोनों इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, घटाने पर माइनस माइनस ये भी हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइव एक्स में से सॉरी नाइन एक्स में से फोर एक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का फाइव एक्स बचेगा, तो माइनस फाइव एक्स इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को माइनस करेंगे तो देखेंगे तो फोर माइनस सिक्स, सिक्स प्लस सिक्स, देखिए माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस कर जाएगा प्लस, फोर माइनस थ्री तो माइनस माइनस प्लस, तो फोर प्लस थ्री और जीरो सॉरी एट है, एट में से थ्री को माइनस करेंगे तो एट माइनस थ्री, और जीरो में से फिफ्टीन को माइनस करें तो जीरो माइनस फिफ्टीन, जीरो माइनस फिफ्टीन, तो वी गेट माइनस फाइव एक्स इज इक्वल टू माइनस का टू, ट्वेल्व इलेवन एंड माइनस फिफ्टीन। क्लियर। नाउ एक्स तो माइनस फाइव को इधर भेजेंगे तो माइनस वन बाय फाइव इज इक्वल टू माइनस का टू, इलेवन, ट्वेल्व एंड माइनस का फिफ्टीन। इज इट क्लियर। नाउ माइनस वन बाय फाइव के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, टू बाय फाइव माइनस इलेवन बाय फाइव और ट्वेल्व बाय फाइव, और फाइव से पंद्रह को डिवाइड करेंगे कितना आएगा तीन, और माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो क्या एक्स का वैल्यू, अब निकालेंगे वाई का वैल्यू। तो सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, किसी में भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट का यूज करते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू टू थ्री फोर जीरो। ठीक है, इसमें से अगर थ्री वाई का वैल्यू निकालेंगे तो थ्री वाई इज इक्वल टू जो टू फोर थ्री जीरो माइनस टू एक्स इज इक्वल टू टू फोर थ्री जीरो माइनस टू एक्स, एक्स का वैल्यू है टू बाय फाइव माइनस इलेवन बाय फाइव एंड माइनस ट्वेल्व बाय फाइव एंड थ्री एंड थ्री। क्लियर, टू के अंदर मल्टीप्लाई करके इक्वेशंस को ऐड कर माइनस कर देंगे तो यह जाएगा टू, और दो का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा दो दोनों चार, तो माइनस का चार बट्टे पांच तीन, देखिए माइनस और माइनस का जगह प्लस, बारह दुना चौबीस बटे पांच, चार माइनस ग्यारह दुना बाईस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो बाईस बटे पांच और जीरो माइनस तीन दुना
6 प्लस माइनस माइनस दैट इज इक्वल टू 5 दुना 10 10 माइनस 6 सॉरी 10 माइनस 4 6 बटे 5 5 तिया 15 15 और 24 को जोड़ेंगे तो 39 बटे 5 और 5 चुक 20 20 और 22 कितना जगह 42 42 बटे 5 और यह जगह माइनस का 6 ये 3y बराबर है तो y बराबर क्या हो जाएगा तो यहां पे लिख देता हूं y बराबर इस वाले इक्वेशन से जाएगा 3 इसके डिवाइड में जाएगा तो 3 से इक्वेशंस को इसी मैट्रिक्स को हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं तो 3 दुना 6 2 बटे 5 13 39 तो 13 बटे 5 और ये हो जाएगा 24 तिया नहीं 14 तिया 42 14 तिया 42 और 3 दुना 6 माइनस का 2 हो जाएगा ये y का वैल्यू हो जाएगा और ये हमारा x का वैल्यू हो जाएगा सिंपल है ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है सिंपल है बस थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें कैलकुलेटिव पार्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दो और वीडियोस के जो लिंक हैं वो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ठीक है 8 नंबर क्वेश्चन x और y ज्ञात कीजिए यदि y का वैल्यू दे रखा है y बराबर 3 1 2 4 3 1 2 4 और 2x प्लस y इज इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2 इसमें x और y का वैल्यू निकालना है तो सिंपली y का वैल्यू तो दे रखा ही है क्या निकालना होगा आपने x का वैल्यू तो इस वाले इक्वेशन से निकालेंगे तो 2x इज इक्वल टू 1 0 माइनस 3 2 माइनस y तो 1 माइनस 3 0 2 इस y को उधर भेज दिया तो माइनस में जाओ तो माइनस y का वैल्यू है 3 2 1 4 3 2 1 4 तो 1 माइनस का 3 0 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 1 2 माइनस 4 ठीक है तो 1 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 2 इज इट क्लियर 2x इज इक्वल टू तो x इज इक्वल टू व्हाट तो x इज इक्वल टू 2 से इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो उसे मैट्रिक्स को अगर डिवाइड करते हैं तो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 एंड माइनस 1 तो x का वैल्यू जो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 सिंपल नाउ क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 x और y ज्ञात कीजिए गिवन है 2 1 3 0 x प्लस y 0 1 2 इज इक्वल टू 5 6 1 8 इज इक्वल टू 5 6 1 8 पहले 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ ऐड कर देंगे तो 2 1 2 प्लस y 3 दुना 6 प्लस 0 0 प्लस 1 और 2x प्लस 2 इन्होंने 2 से मल्टीप्लाई किया और इसके साथ इस मैट्रिक्स को क्या कर दिया हमने ऐड कर दिया जोड़ दिया बराबर 5 6 1 8 5 6 1 8 क्लियर इज इट क्लियर सिंपल नाउ कंपैरिजन करेंगे दोनों पक्षों में हम क्या कर देंगे तुलना करने पर अगर इसकी तुलना कर देंगे तो 2 प्लस y इक्वल टू 5 तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 तो y का मान कितना जाएगा 3 आ जाएगा और दूसरा 2x प्लस 2 इक्वल टू 8 इसके बराबर ये हो जाएगा क्योंकि संगत एलिमेंट आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं कोटि तो दोनों का सेम है ये 2 इंटू 2 का ऑर्डर है ये भी 2 इंटू 2 का है ठीक है ना तो ऑर्डर तो इसका सेम है ऑर्डर सेम होना चाहिए कंपैरिजन करने के लिए दूसरा जब हम कंपेयर करते हैं तो उसके संगत अवयव के बराबर होता है मतलब ये वाला एलिमेंट इसके बराबर हो जाएगा ये वाला एलिमेंट इसके बराबर हो जाएगा ये इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा ठीक है तो यहां से 2x इज इक्वल टू कितना जाएगा 6 8 में से 2 घटा देंगे 6 तो x इज इक्वल टू कितना जाएगा 3 तो x का वैल्यू भी 3 और y का वैल्यू भी कितना जाएगा 3 आ जाएगा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10
प्रदत्त समीकरण को x, y, z तथा t के लिए हल कीजिए यदि ये समीकरण हमारे पास दे रखा है। बुक में देख लीजिए एक बार क्वेश्चन, आप ये दे रखा है हमारे पास क्वेश्चन। इसमें सबसे पहले 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 2x, 2z, 2y, 2t, 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 तीन के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 माइनस का 3 0 और 3 दुना 6 बराबर, तीन के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3 दिया 9, 5 दिया 15 और 4 दिया 12 और 6 दिया 18, ठीक ना। हमने क्या करा, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, क्लियर। नाउ अब इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में जोड़ देंगे तो 2x प्लस 3, 2z माइनस 3, 2y प्लस 0 और 2t प्लस 6, 2t क्या 2t, 15, 12 और 18, ठीक। आपस में क्या करेंगे, देखिए 2 इंटू 2 का ऑर्डर है तो ऑर्डर सेम है दोनों का, मैट्रिक्स बराबर होंगे, ठीक ना। तो इसको आपस में क्या करेंगे, तुलना कर देंगे, तुलना करने पर इसको अगर आपस में तुलना करते हैं तो हमें मिलेगा 2x प्लस 3, 2y, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 9, 2y इज इक्वल टू 12 एंड 2z माइनस 3 इक्वल टू 15 एंड 2t प्लस 6 इक्वल टू 18, इज इट क्लियर। नाउ इस वाले इक्वेशन से y इक्वल टू 12 बाई 2 इज इक्वल टू 6, तो y का मान तो आ गया यहां से 6। इस वाले इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो यहां से 2x इज इक्वल टू 9 माइनस 3, तो x इज इक्वल टू 6 बाई 2 और इट इज इक्वल टू 3, तो x का वैल्यू कितना जाएगा, 3 आ जाएगा। इस इक्वेशन से अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2t इज इक्वल टू 18 माइनस 6 इक्वल टू 12, टी इज इक्वल टू 12 बाई 2 इज इक्वल टू 6, तो t इक्वल टू कितना जाएगा, 6 आ जाएगा। और इस वाले इक्वेशन से क्या था, 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 15, तो इस वाले इक्वेशन से 2z इज इक्वल टू 15 प्लस 3, तो z इज इक्वल टू 18 बाय 2 इज इक्वल टू 9, तो z इक्वल टू कितना जाएगा हमारा, 9 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 3, y 6, t 6 एंड z 9, इट्स अ वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 इज क्वेश्चन नंबर 11, यदि x 2 3 प्लस y माइनस 1 माइनस 1 1 बराबर 10 5 हो तो x और y का मान गेट कीजिए। वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y। वी हैव x 2 3 प्लस y माइनस 1 एंड 1 इज इक्वल टू 10 एंड 5। फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई बाय x, तो 2x और ये जगह 3x प्लस y के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस y, y इज इक्वल टू 10 एंड 5। इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे तो 2x माइनस y और 3x प्लस y इज इक्वल टू 10 एंड 5, 10 एंड 5, ठीक है। इसका ऑर्डर कितना है, दो रो एक कॉलम है, इसमें भी दो रो और एक कॉलम है, ऑर्डर सेम है, रैंक दोनों का सेम है, ठीक। चलो तो हम क्या करेंगे, इनकी तुलना कर देंगे, तुलना करने पर, हैंडराइटिंग बहुत बेकार होगी मेरी, 2x माइनस y इज इक्वल टू 10 एंड 3x प्लस y इज इक्वल टू 5, ठीक है। दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, आपस में जोड़ देंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा तो 5x इज इक्वल टू 15, तो x इज इक्वल टू 3, x का वैल्यू कितना जाएगा, 3 हो जाएगा, 15 बाय 5 इक्वल टू 3। x अगर 3 है तो x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं किसी भी इक्वेशन में, ठीक ना। इसमें छोड़ रख देते हैं तो 3 दिया 9 और 5 माइनस 9 माइनस का 4, तो y इक्वल टू कितना जाएगा, माइनस का 4। किसी भी इक्वेशन में रखोगे y का वैल्यू निकाल दोगे, y जाएगा माइनस का 4, इज इट क्लियर। नाउ अगेन क्वेश्चन नंबर 12,
देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 12। यदि 3 मल्टीप्लाई बाय दिस इक्वल टू एक्स सिक्स माइनस वन टू डब्ल्यू प्लस फोर एक्स प्लस वाई जेड प्लस डब्ल्यू 3, तो एक्स बाई जेड तथा डब्ल्यू के मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपल क्वेश्चन है ये भी एक, क्यों ना। तो सबसे पहले 3 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x 3y 3z और 3w जाएगा इज इक्वल टू, दोनों मैट्रिक्स को आपस में जोड़ देंगे तो x प्लस 4 6 प्लस एक्स प्लस वाई माइनस 1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू और यह 2w प्लस 3। देखेंगे इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2 का, इसका भी ऑर्डर 2 इंटू 2 का ऑर्डर सेम है, तो मैट्रिक्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो लिखेंगे तुलना करने पर, देखिए 3x इज इक्वल टू x प्लस 4, तो यहां से 2x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 2 आएगा यहां से एक वैल्यू, क्लियर। नाउ ये 4 है, नेक्स्ट 3y इज इक्वल टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई, वाई को उठा के इधर भेज दो तो 2y बचेगा, 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बचेगा, इक्वल टू 6 प्लस 2, तो 2y इज इक्वल टू 8, तो यहां से आएगा y इक्वल टू 4, y के वैल्यू हो जाएगा 4। नाउ 3z इक्वल टू माइनस 1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, एक इक्वेशन ही बनेगा, दूसरा इक्वेशन 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3। देखिए 2w के इधर लेंगे तो माइनस का जाएगा, तो 3 में से 2 माइनस करेंगे तो w बचेगा, तो w इज इक्वल टू 3, और यहां से w को वैल्यू रख देंगे, z को इधर लेंगे तो 3 माइनस 1 तो 2z इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस का 3, दीजिएगा 2z इज इक्वल टू 2, तो z इज इक्वल टू 1, 2 बाई 2 कितना जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहां से जेड का वैल्यू हो जाएगा 1, क्लियर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। नाउ एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 13। हमारे पास एक एफएक्स मैट्रिक्स दे रखा है, एफएक्स इक्वल टू है ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स जीरो साइन एक्स कॉस एक्स जीरो जीरो वन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिद्ध करना एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, ये भी प्रूव करना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है एक दो बार, तो इसको आप लगा लेना बुक में, इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए एफ एक्स मैट्रिक्स ये हो गया, ऐसे हम सबसे पहले एक एफ वाई मैट्रिक्स बनाएंगे, क्या बनाएंगे एफ वाई मैट्रिक्स, तो एफ वाई इज इक्वल टू एफ वाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा, तो आपका कॉस वाई जहां जहां एक्स है उसको रिप्लेस कर देंगे वाई से, साइन वाई जीरो माइनस साइन वाई कॉस वाई जीरो 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 वन, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे एफ एक्स इंटू एफ वाई की, दोनों मैट्रिक्स के आपस में हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉस वाई सॉरी कॉस एक्स साइन एक्स जीरो साइन एक्स कॉस एक्स जीरो 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 वन, और इसकी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे एफ वाई से, तो कॉस वाई साइन वाई जीरो माइनस साइन वाई कॉस वाई कॉस वाई और जीरो 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 वन, ठीक है। तो ये हमारा एफ एक्स हो गया, ये हमारा एफ वाई हो गया, इन दोनों मैट्रिक्स के आपस में हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तब इनके अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको पता है हम किस तरीके से मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लीकेशन रूल्स होता है कि रो एंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड रो थर्ड कॉलम की मल्टीप्लाई करेंगे, आफ्टर देन फर्स्ट थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थर्ड रो सेकंड कॉलम थर्ड रो थर्ड कॉलम,
ठीक है ना, कंडीशन होता है मल्टीप्लाई के लिए। इसका ऑर्डर देखेंगे तो 3 × 3, इसका भी ऑर्डर 3 × 3 का है, तो ये चीज सेम होनी चाहिए। मतलब फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो, ये आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर बराबर है तब ये मल्टीप्लाई होता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो देखें मल्टीप्लाई करते हैं, एक बड़ा सा मैट्रिक्स बनेगा ये, ठीक है। देखिए कॉस एक्स कॉस वाई कॉस एक्स कॉस वाई, ठीक है ना, फिर इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन एक्स साइन वाई, फिर इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, जीरो। साइन का कॉस का साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का साइन बाय कॉस एक्स, और प्लस माइनस माइनस साइन एक्स कॉस वाई, ठीक ना, प्लस जीरो, प्लस क्या जाएगा जीरो, ठीक ना। और इसके बाद अब मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट और सेकंड कॉलम हो गया, फर्स्ट और थर्ड कॉलम की कॉस की एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे वन। तो इसको कहां लिखते हैं, इसको यहीं लिखते हैं नीचे, ठीक है ना, यहां पे लिख देता हूं मैं, थर्ड रो जीरो प्लस जीरो प्लस वन, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट सेकेंड और फर्स्ट कॉलम, तो ये साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, जीरो की जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस जीरो, साइन एक्स की साइन एक्स साइन बाई माइनस का जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस, कॉस की बाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस एक्स कॉस वाई, और जीरो की जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, जीरो की जीरो से मल्टीप्लाई जाएगा तो जीरो। नेक्स्ट सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो साइन की जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, कॉस की जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, वन की जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आ जाएगा, जीरो की कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई जीरो, इसका मल्टीप्लाई जीरो, वन की जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, जीरो की साइन से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, जीरो की कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, वन की जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो, ठीक। और नेक्स्ट जीरो की जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, जीरो की जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, प्लस वन की वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा हमारा, वन बनेगा, ठीक है। नाउ यहां पे आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, हमें पता है कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल टू द कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ऐसे होता है साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला होता है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। तो इसी फॉर्मूले का हमें यहां पे यूज करना है, तो देखेंगे कि कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस एक्स प्लस वाई, ठीक। यहां से अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं, दोनों माइनस का ना, माइनस कॉमन ले तो ये वाई प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो हम बता सकते हैं कॉस एक्स सॉरी साइन एक्स कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई, या इस तरीके से लिखेंगे कि साइन एक्स कॉस वाई प्लस साइन बाई कॉस एक्स प्लस साइन एक्स कॉस वाई, ये साइन एक्स प्लस वाई या वाई प्लस एक्स, बात ये की है, तो यह साइन एक्स प्लस वाई, ठीक ना, अब ये जीरो होगा, सॉरी ये तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये जीरो आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखिए साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला हो जाएगा, तो यह साइन एक्स प्लस वाई, और इसको जोड़ेंगे तो देखेंगे कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो जब कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला जाएगा, और ये जीरो हो जाएगा, ठीक ना, जीरो जीरो वन, जीरो जीरो वन, ठीक है ना। अगर देखेंगे इसमें इस वाले इक्वेशन को, ठीक ना, तो यहां पे हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि ओनली ये वाले नंबर्स, ये जो फंक्शन है ये चेंज हुआ, बाकी अदर सबको सेम है। देखेंगे ये सारे जीरो जीरो है, कॉस साइन साइन कॉस कॉस साइन माइनस साइन कॉस इक्वल है, यहां पे एक्स था, यहां पे एक्स प्लस वाई हो गया, तो इसका मतलब इट इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई। तो हमने क्या प्रूव करा कि एफ एक्स इंटू एफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस वाई, ठीक ना, इति
सिद्धम। ठीक, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज करने थे इस क्वेश्चन में, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बोर्ड में आपके पूछे भी गए हैं 2-3 बार, तो इसको एक बार प्लीज अच्छे से रिवाइज कर लेना। बाकी जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं सारे क्वेश्चंस को आप एक बार रिवाइज करना आफ्टर देन, ठीक है ना, नेक्स्ट बढ़ेंगे और बाकी के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना।